दोस्तों मेरा नाम मित्र प्रकाश है और इस वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि शौक कितनी बड़ी चीज होती है। 18 लाख रुपए खर्च करके एक आदमी कुत्ता बन गया है। सही सुन रहे हैं आप, 18 लाख रुपए खर्च करके एक आदमी अपने आप को कुत्ता बना लिया है। इस प्रक्रिया में 40 दिन लगे हैं। जेपेट नाम की कंपनी ने एक इंसान को कुत्ता बना दिया है। यहां पर जो शख्स आप देख रहे हैं ये इनकी पत्नी है और जो आदि ये कुत्ता आप देख रहे हैं ये कुत्ता नहीं इंसान से बना हुआ कुत्ता है। और यहां पे भी जो आप देख रहे हैं ये भी इंसान से बना हुआ कुत्ता है। क्या है पूरी खबर, पूरा विश्लेषण करेंगे, ये घटना कैसे हुई जापान में, इस सब विषयों पर बात करेंगे। तो आपको घटना तो पता चली गई होगी मेरे बात से कि घटना जापान की है। जापान में पता चला है कि शौक बड़ी चीज होती है। यहां कई विज्ञापन भी आते हैं कि शौक बड़ी चीज होती है। और इस आदमी को जो यहां पर आप देख रहे हैं कुत्ता बना हुआ है, बचपन से शौक था कि मुझे बड़े होकर कुत्ता बनना है और इन्होंने अपना शौक 18 लाख रुपए में पूरा कर लिया है। इस कुत्ते का नाम टोको है। इसका असली नाम जो है वो अभी तक जाहिर नहीं किया गया है क्योंकि जो इंसान इसके पीछे है वो जाहिर नहीं करना चाहता है। और कुत्ते बनने की प्रक्रिया में 40 दिन लगे हैं, 40 दिन और 18 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब बचपन से 18 लाख रुपए खर्च करके ये इंसान कुत्ते में बन गए होंगे। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि आदमी से व्यक्ति औरत बन जाता है, औरत से आदमी बन जाता है। कभी कभी आप सुने होंगे कि कोई कहानियां सुने होंगे कि एक आदमी ने भैंसे का अवतार ले लिया। इच्छाधारी नागिन भी आपने सुना होगा। कभी आप सुने होंगे रामायण में कि हिरण का अवतार हो गया। और भी बहुत सारी चीजें सुने होंगे। अभी एक खबर आई थी बीते दिनों कि एक लड़की बार्बी डॉल जैसी बन गई है। लेकिन कभी शायद आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई इंसान कुत्ता बन गया। लेकिन जर्मनी से ये जो मामला सामने आया है वहां पर एक इंसान कुत्ता बनता हुआ नजर आ रहा है कि वो कुत्ता बन गया है। ये वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये कुत्ता नहीं बल्कि इंसान है। इस पूरी प्रक्रिया में 40 दिन का वक्त लगा है। ये जो टोको नाम का आदमी है या जिसे कहा जाए कुत्ता है, ये बचपन से चाहता था कि मैं बड़ा होकर कुत्ता बनूं। इसके लिए ये इस कंपनी से संपर्क करता है, जेपेट नाम की कंपनी से। जब ये कंपनी के पास जाता है तो पूरे इतिहास में कंपनी के पास भी पहला ऐसा केस आता है कि कोई इंसान कुत्ता बनना चाहता है। जब कंपनी के पास ऐसा केस आता है कंपनी भी हैरान परेशान कि लोग हमारे पास मूर्तियां बनवाने आते हैं, 3D एनिमेशन 3D डिजाइन इन बनवाने आते हैं, ये आदमी खुद को कुत्ता बनवाने आ गया है। कंपनी ने कहा भैया 18 लाख रुपया लगेगा, हम 18 लाख रुपए में कुत्ते जैसा बिल्कुल आपको तैयार कर देंगे, आपकी ट्रेनिंग भी कर देंगे। आपको बस सुबह सुबह क्या करना है, उसकी कॉस्ट्यूम पहन लेनी है, आप उसके बाद कुत्ते जैसे बिहेव करने लगेंगे। इनकी पत्नी की भी यही चाहत थी कि ये अपनी पत्नी, इनकी पत्नी जो रोज उनको सुबह सुबह घुमाए और वफादारी की तरह ये भों भों चिल्लाते हुए और तमाम कुत्तों के बीच में, इनकी इच्छा थी, ये एक इंसान की इच्छा है कि वो तमाम कुत्तों के बीच में कुत्ता बनकर जाए और अपने घर में भी पलटी मारे और कुत्ता बन के इधर उधर टहले, ये इनकी इच्छा थी। तो इन्होंने ऐसा किया और ये बन गए कुत्ता। 18 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब बताइए शौक के लिए आदमी पैसा खर्च करता है, तमाम घर बनवाता है, बिल्डिंग खरीदता है, जायदाद बनाता है, लेकिन इन्होंने 18 लाख रुपए खर्च किया कुत्ता बनने के लिए। इसी को कहा जाता है शौक बड़ी चीज है। मैंने आपको बताया कि जेपेट नाम की कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था और कोली ब्रीड नाम का कुत्ते का ये कॉस्ट्यूम है। इस कुत्ते का या इस इंसान का एक YouTube चैनल है जिस पे आप जाएंगे तो तमाम तरीके की अपनी एक्टिविटीज दिखाते हैं। दिन भर ये इसी तरह कुत्ता बन के टहलते रहते हैं, गलियों में जाते हैं, कुत्तों के बीच में जाते हैं। अब ये ना जाने कैसा शौक है, ये मानसिक संतुलन बिगड़ जाने का शौक है, YouTube पे फेमस होने का शौक है, या दुनिया में खबरें पढ़वाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन फिलहाल 18 लाख रुपए खर्च करके टोको नाम के व्यक्ति ने अपने आप को टोको नाम के कुत्ते में बदल लिया है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।